वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना देहो अपना नाम, देहो अपना नाम, देहो हाँ आया दूरों चल के हाँ, आया दूरों चल के हाँ, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपना नाम जपावो, धन मोह परदेसन दूर ते आई अपना नाम जपावो, मोह परदेसन शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए। हुणे गुरमुख प्यारे शब्द पढ़ रहे सी, एकाग्रता बनाओ। बसंत रुत आई हे जीव कदी सुन गुरु नानक दी अमृत वाणी, गुरु नानक दी अमृत वाणी सुन, तैनू सुनाउण नू साहिब कह रहे बसंत रुत आई। ऐसा ना होवे तैनू पता ही ना होवे पतझड़ तो बाद बसंत रुत आ चुकी है। पतझड़ आई, चार चफेरे दे पत्ते दरख्तां दे चढ़ गए, मगर जिहड़ा दरख्त सी ओह घबराया नहीं। उहनूं पता सी रुत आई, रुत बदलदी जानी। जे रुत आई आ ते रुत बदल जानी आ ते मैं जुड़िया रहां। रुत दा काम है झाड़ देना, जिहदे नाल जुड़िया वा उहदा काम है हरिया कर देना। एकाग्रता बनाओ। रुत ने पत्ते झाड़ते, जिहड़े जुड़े रहे, समा पिया फिर करुंबला निकलिया। महसूस कर रहे कि नहीं, फिर निकिया निकिया दरख्तां दे विचों करुंबलां निकलनियां शुरू हो गईयां। जिन्हां सिदक हार दिता, जिहड़े टुट गए, जिहड़ियां टाहणियां टुट गईयां दरख्त नालों, उहनां विचों करुंबलां नहीं निकलियां। जिहड़े जुड़े रहे, जिहड़े 7 ते 9 साल दी उम्र विच नीहां च वी जुड़े रहे, उह सुके नहीं। नानक हरे ना सुकई, शाबाश। नानक हरे ओ हरे रहे सुके नहीं। जे गुरमुख रहे समाए, जेडे गुरमुख गुरु दे नाल जुड़े रहे, किन्नी पत चढ़ आई, किन्नी पत चढ़दी रुत आई, किन्नियां हनेरियां चलियां, हरे ही रहे सुके नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ। ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਬਸੰਤ ਪਰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦੇਖ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਫੁੱਲੇ, ਦੇਖ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ। एक पक्ष दूसरा रखिया, एक रहे सूक कठूले। कुछ दरख्त ने जिहड़े सुके दे सुके रहे, वो बांस दा दरख्त, आखो वाहिगुरु, बाहरों सख्त अंदरों खाली। कुछ एहो जिहियां रूहां ने जिन्हां दे कोल गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत वाणी भी चल रही, बसंत दी रुत दी आहट, बसंत दे रुत दे शब्द भी सुन रहे ने, मगर फिर भी हरे नहीं होए। मेरे सतगुरु ने अज तुहानू ते मैनू याद आई, किते ऐसा ना होए तू ऐसा संसार विच गवाचों, तेरे अंदर दा रौला, तेरे अंदर दा शोर,
तेनू ए भी ना कदी सुन दे महसूस कर दे भी बसंत रुत आ गई आ मैं तेनू चेता करावा बसंत रुत आई। देख पुत्रा बसंत रुत आ गई हर पासे वेख नवीं नवीं करुंबला निकलिया हर पार्क दे विच किने किने सुंदर फुल खिड़े ने तेरा जी नहीं करता खिड़ नू आखो वाहिगुरु हर फुल दे विचो खुशबू निकली आ हर फुल दे उत्ते आण के भौरे मंडराए ने हर फुल दे उत्ते गीत गूंजिया है तू नहीं सोचता तेरी जिंदगी विच गूंज वजे तेरी जिंदगी विचो भी खुशबू निकले तेरा दिल नहीं करता। ये बसंत रुत आई ते चले गई किसी नूं हरिया करता मगर मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहिंदे इह कुछ समय लई आई ते कुछ समय लई हरे भरे कर गई। जिहड़े गुरमुख शब्द का जाप करदे शब्द है सदा बसंत है शब्द का जाप करन वाला भावें नीयां च खलोता शब्द का जाप करना उबलती देग विच बैठा शब्द का जाप करने वाला चरखड़ियां ते बैठा शब्द का जाप करने वाला रूह विच बज्जा है नीयां च खलोता है पुत्तां दे कलेजे मूंह च पवाए ने साहब जी कहिंदे शब्द है शब्द का जाप करने वालियां ते पतझड़ आउंदी नहीं शब्द का जाप करने वालियां ते कदी पतझड़ दा मौसम आउंदा ही नहीं सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए ते साहब ने आवाज दिती नानक नाम ना विसरे बोलो हां एक ख्याल रखियो इतना ना पढ़े हो नानक नाम ना विसरे नानक पता लग गया नानक नु वखरा करके तकीद कीती दुनिया दे लोको सुनो कदी नाम ना भुल्यो जिन सिरिया सब कोय जिने सारी सृष्टि नु बनाया है कदी ओनू ना भुल जो फिर सुकोगे नहीं हर हर करे से सूके नहीं हर हर करे जिहड़े हरी हरी वाहिगुरू वाहिगुरू करदे ओ कदी सुकदे ही नहीं तिन जम काल ना खाए जियो उन्हां नू कदी जम काल खा ही नहीं सकदा जिहड़े वाहिगुरू दा जाप करदे ने रोज पौड़ी आप जी सुन दे हर का नाम ते आए के हो हरिया भाई जे पत्त झड़ आ भी गई तेरी जिंदगी दे पत्ते झड़ भी गए ते मेरा पंजवा सतगुरु फिर आवाज मारदा ही आ मैं तेनू फिर हरे भरे करन दी दवाई दे दां हर का नाम ते आए के हो कर्म लखनते पाईए ए रुत सुहावी भागा वाला है तेनू मनुखा जन्म मिलिया कर्म लखनते पाईए लिखे कर्मा अनुसार ए मनुखा जन्म दी रुत सुहावी रुत देख वन त्रिन त्रै भवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजे लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ ना ताई। आख्या जी ए मेनू पंज बड़ा सताउंदे ने इन्हां पंजां नाल मैं सड़ गया साहब कहिंदे पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपाई उन विच दई खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा दिन रैन नाम ते आएंदा फिर पै ना होआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ सच जानी जिहदे च तू पैदा होया ओनू कदी किसे रुत ने नहीं सुकाया ओ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक पहल बसंते आगमन पहला मौलिया सोए सब तो पहलो ओ मेरा मालिक आप खिड़िया उन्हें आख्या भाई सारे ही खिड़ जो आप खिड़िया सी ते सारे संसार नू आख्या खिड़ो उस मालिक ने तुहानू ते मैनू खिड़ने दी दवाई दिती आओ मारो चौंकड़े सारियां रूहां जिहदे नाल मेरा साहब कहिंदा है कदी हरे होके सुकीदा ही नहीं ओ दवाई खाइए उस रुत नाल जुड़िए शब्द है सदा बसंत है शब्द का जाप करन नाल सदा बसंत दी रुत रहिंदी कदी पत्त झड़ आउंदा ही नहीं
आओ जपिए वाह गुरु 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 खोल के जियो धन गुरु तेग बहादुर साहब धन गुरु तेग बहादुर साहब गुरु सतनाम श्री वाहे जुड़ो गुरमुख सिखो प्यारे हो जो लड़ीवार कथा बाबा कबीर जी दे अमृत वचन जेता बोलन तेता ज्ञान बोलो जेता बोलन सारे बोलो जेता बोलन महापुरखां का बोलना महापुरखां का होवे किते प्रथाएं बोल दे एक बंदे ली नहीं बोल दे ध्यान दे जदों कदी बाबा कबीर वर्गी पवित्र आत्मा बोल दी है बाबा फरीद वर्गी पवित्र आत्मा बोल दी ते एक इंसान नू नहीं कुछ कहिंदी साखी महापुरख बोल दे बोलो साखी सारे बोलिया करो आप जी नू बाणी दृढ़ हो जाए साखी जेड़े महापुरख हुंदे ना कई मेरे वर्गे कहिंदे भी मैनू ला के ए गल कही गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे नहीं नहीं ओदे अंदरों ते मेर तेर मुक्की चुकी है जेड़ा बोलन वाला ओदे अंदरों दुई दवैत ते खत्म हो चुकी साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने कोई हिंदू कवे मेनू टारगेट किया है कोई मुसलमान कवे मेनू टारगेट किया है कोई सिख कवे मेरे वाल उंगल करके क्या नहीं वह भलिया पुरशा ओदे अंदरों ते ए वैर विरोध सब मिट चुकिया वह ते कहिंदा एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को ओदे अंदर ता ए धुनी अंदर तक चलेगी भी ना को वैरी नहीं बगाना सगल संग हमको जदों कदी साधु महात्मा बोलदा संसार दे भले लई बोलदा ए भले लई कहे होए बचन जेडे पिछले दिनां तो आप जी ETC चैनल ते श्रवण कर रहे हो अज अगली लड़ी मेरे सतगुरु गरीब नवाज ने इस दरबार विच प्रारंभ कराई तुहानू मैनू मेरा सतगुरु उदम बख्शे आपां इन्हां बचनां नू अपने जीवन दा आधार बनाईए अको वाहिगुरु ए अमृतमई बचन संसार दी दवाई बन जन औषधि बन जन हर का नाम अमृत जल निर्मल बोलो हर का नाम ए औखद एक दो तीन बंदियां दी दवाई नहीं की गुरबाणी ए औखद औखद बने जग सारा अजे ते इस कौम विच तीन चार कौमा मेन रहिंदियां ना मुसलमान ईसाई सिख हिंदू जिदन कदी बाणी पढ़न दे तुसी समर्थ होगे बाणी नू समझोगे तिब्बती गोरखे फ्रांसीसी इन्हां सारयां दा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपनी बाणी च नाम लिया भी ए सारे संसार दे जीव बाणी नाल हरे होणगे एक कलावा गुरु ग्रंथ साहब महाराज का केवल हिंदुस्तान लई नहीं अको वाहेगुरु जाप साहब विच सिफत करदे लिखिया अलीक है की जी इहदे दुआले लीक नहीं वजी भी हिंदुस्तान तक ही आए इहदे दुआले कोई हद नहीं फुल दी हद हो सकदी जिहदे घर कदी
फुल जिहदे घर उगया वह कह सकदा है फुल मेरी फलवाड़ी च उगया मेरी चार दुआरी च उगया मगर ओहदी खुशबू ते कब्जा नहीं कोई कर सकदा। बोलो वेखो जरा इस सुरत च वसाओ भी खुशबू नूं ओह बंदा अपनी फलवाड़ी च कैद नहीं कर सकदा। गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप नूं ते तुसीं कह सकदे हो भी इह केवल गुरुद्वारे दे विच प्रकाश होया है मगर इहदी वंडी जांदी खुशबू आपां किसे चार दुआरी च बंद नहीं कर सकते। जिद्दन कदी इह खुशबू संसार तक पहुंची गई फिर सारी दुनिया लई इह दवा बनूगी ते है भी दवा। जिहड़े जिहड़े बाणी पढ़नगे सुणनगे हिंदू सिख ईसाई मुसलमान जो जो प्राणी सतगुरु की बाणी पढ़ूगा उहदा आधार हो गुरबाणी गावे भाई वो सफल सदा सुखदाई। प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपुरे तू रख्या। गुरु लाज रखूगा उन्हां लोकां दी जिहड़े बाणी पढ़नगे ते सुणनगे। उस बाणी दा अगला वचन अज आपां विचारन लगे कबीर तू तू करता तू हुआ। बोलोगे इस तरह नहीं चढ़दी कला च बोलो तू तू करता ऐसी तू तू दी रट लगी भी मैं विचो निकल गई ते तू तू रह गया। तू तू करता मुझ में रहा ना हूं मुझ में रहा ना मेरे च वह चीज ही ना रही भी मैं भी हूं अजे तक ते अंदर कुट कुट के भरी भी मैं भी हां। तू मैनू जानदा ही नहीं तू मेरी पावर नू पछाणदा ही नहीं तू मेरे बारे नहीं जानदा मैं की चीज हां। आखो वाहिगुरु। ते एक मेरे सतगुरु पंजवे ने एक वचन किया जदों कोई बंदा चीज बन के आउंदा है ते गुरु ओहदे वल वेंदा ही नहीं। जदों कोई कहिंदा ना मैं भी कोई चीज हां गुरु ओहदे वल वेंदा ही नहीं। इह किहदे वल वेंदा जी नचीजियां चीज करे मेरा गोविंद। ध्यान दिओ नचीजियां जिहड़ा कवे मैं कोई ओहनू मेरा साहिब चीज बनाउंदा जे कम दी चीज बना दिंदा ओहनू। आखो वाहिगुरु। इत्थे साहिब जी अज कहिंदे तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना ऐसी रटन तू तू दी लगी भी विचो मैं जिहड़ा हूं सी ना ओह निकल गई। जब आपा परका मिट गया। बोलो हुण जत देखूं तत तू हुण ते जिधर वेखां तेरे ही दीदार मगर अजे ते तुसां ते मैं क्या ही आ ना। सोचो जिन्हां लोकां दी अवस्था बन गई होऊ असी ते तुसीं ते क्या ही आ ना भी चार चफेरे तू ही दिस रहे हैं। जिन्हां नूं दिसिया उन्हां दे नेत्रां दा पैमाना लाओ जिन्हां ने आख्या हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर ए विस संसार तुम देख दे ए हर का। जिन्हां दी नजरां नूं एक दिसिया भाई कन्हैया जी ने आखो वाहिगुरु। जिन्हां रविदास वर्गियां ने सारियां विच एक नूं वेख्या जिन्हां नामदेव वर्गियां ने एक नूं वेख्या सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं ईबे बीठुल ऊबे बीठल बीठल बिन। तुसी ते मैं ते अजे ए वचन कर ही रहे ते सानू आनंद आ रहा मगर जिन्हां नूं बीठल दिसिया होया जिन्हां ने इन्हां अखां नाल बीठल नूं वेख्या होया हर प्राणी च मेरा साहब कृपा करे ए वचन आप जी ने ETC दे उत्ते ए कथा हो चुकी अज अगले वचन दी विचार करिए। एक बार अपनी औलाद दे भले लई आखो वाहेगुरु। अज साहब जी कहिंदे कबीर बेकारे चितवते बेकारे चितवते रात दिन वकारां दियां चिता रात दिन वकारां दे ख्याल मन विच आउंदे रहिंदे इंसान नूं ते आउंदे जे अपनी फोटो वेखो। आखो वाहेगुरु। अपनी फोटो चंगी तरह वेखो जिन्ना चिर तुसीं रुके ना जिन्ना चिर तुसीं अपने आप नूं ना देखिया ए मन आरसी। बोलो आरसी मीन शीशा। ए मन एक शीशा है इहदे च हर बंदा नहीं वेख सकदा। ए लोकां वल वेंदे बाहर दे शीशे कंध वाले लगे च वेंदे
मगर साहब कहिंदे एक मन भी आरसी है, इहदे विच हर बंदा नहीं वेख सकदा, इह मन आरसी कोई गुरमुख देखे। कदी मन रूपी शीशे च कोई वेखे किन्ने वकार ने, कदी नहीं अपने आप नूं किसे ने वेख्या मेरे अंदर किन्ने वकार आ। कदी मारो हां कृपा करके झाती, फिर जो दड़ी करोगे कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगणना। जिदन अंदर वेखोगे फिर पता लगू, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण। अजे नहीं वेखो, गुरु के सिखो वेखो अंदर अपने जाके, अवगणी भरिया शरीर है, अवगणी भरिया ये पैरां दे नवा तो लैके सिर दे केसां तक शरीर गुनावां नाल भरिया। क्यों संतो निर्मल होए, हे संत जनो दसो ये पैरां तो लैके सिर तक वकारां नाल भरिया शरीर कितना पवित्र हो सकदा। साहब कहिंदे कबीर बेकारे चितवते ते झूठे करते आस, झूठे पदार्थां दी आस करदे करदे आवी बना लां आवी बना ला, रात दिन गंदे विचारां नाल भरी सुरत उहदियां विचारां करदी रही। कदी विचार यह कीती ना, राम नाम जो करे विचार, बोलो राम नाम जो करे, फिर बोलो राम नाम जो। गंदियां विचारां दी विचार करन वाले रावण वर्गे, आवत संग ना जात संगाती, कहां भयो दर, लंका गढ़ सोने का पया। मगर ओदे बारे भी साहब ने लिखिया, मूर्ख रावण क्या ले ले गया ले गया, कह कबीर किश गुण विचार चले जवारी दोए हथ, ओ तां रोंदे चले गए।